नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार का दिन है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष आज प्रतिपदा तिथि है। नक्षत्र आज है हस्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:36 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहेगा। आज का सूर्य उदय होगा सुबह प्रातः 6:11 पे। चंद्रमा की आज स्थिति रहने वाली है कन्या राशि पर। आज का राहु काल यानी अशुभ काल का समय रहेगा तकरीबन 3:05 से लेकर 4:52 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी शुभ और नया कार्य ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, और ये प्रोडक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों, आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। कैरियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य की स्थिति भी आज आपके लिए काफी बढ़िया रहेगी। और कन्या राशि के जातकों, आज धूर स्थान से धन लाभ का योग बन रहा है, आज इसके लिए तैयार रहिएगा। मन में जो नकारात्मक विचार हैं उनसे बाहर निकलेंगे। किसी भी तरह से आज किसी की बातों में आकर कहीं पर भी पैसा निवेश ना करें। हालांकि किसी की बातें आज आपको बुरी लग भी सकती है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य से काम लें, सब्र से काम लें। किसी की बातों में आकर ऐसा कुछ मत बोलिएगा जो विवाद का कारण बने, इसलिए विवादों से दूरी बनाए रखें, चाहे घर हो या फिर बाहर हो, बिल्कुल धैर्य से काम लें, विवादों से बचिएगा। कन्या राशि को वाड़ी पे कंट्रोल रखें, और व्यापार भाई हैं तो बड़ा लेन देन करने से बचिए। पैतृक संपत्ति को लेकर परिवार में कोई विवाद है तो दूर होगा, आज घर परिवार का सपोर्ट प्राप्त होगा। और इसमें खासकर आज कोई सकारात्मक परिणाम मिलेगा, कोई समस्या हल होगी, कुछ ना कुछ योजनाओं को गति मिलेगी। दिखावे के चक्कर में आज कन्या राशि को कोई भी काम ना करें, कोई भी काम यानी कि बिल्कुल ना करें, नहीं तो धन और समय दोनों ही बर्बाद होगा। आपको अपने विरोधियों से थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा आज के दिन। मन में यदि कोई विचार चल रहा है तो आज किसी भी साथी से साझा ना करें, किसी भी दोस्त मित्र से साझा ना करें, अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी से शेयर ना करें। जीवन साथी से कर सकते हैं, लेकिन आज बिल्कुल अपने पार्टनर से, लव पार्टनर से भी ना करें, बचें, नहीं तो इसका गलत फायदा उठा सकता है। दूर स्थान से धन लाभ का योग बन रहा है कन्या राशि के जातकों आज के दिन। आज पूजा पाठ भक्ति में आज आपकी मन लगेगी, क्योंकि आज के दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। माता भगवती दुर्गा की आज पूजा आराधना करके दिन की शुरुआत करें। प्रथम दिन है, आज घट स्थापना है, और आज सूर्य उदय से लेकर 10 बजे तक घट स्थापना करें और माता की विधिवत चौकी लगाकर उनकी पूजा आराधना करें तो विशेष लाभ होगा। कन्या राशि को आज व्रत जो रखना चाहती हैं महिलाएं, पुरुष, वो व्रत भी आज प्रथम दिन रख सकती हैं, और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा दिन है आज के दिन। तो आज कई तरह से यानी कि लाभ के योग हैं, और आज कई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबको साथ लेकर चलने का प्रयास भी करेंगे। जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय ना लीजिएगा, कोई भी फैसला आज के दिन ना लीजिएगा, सावधान रहिएगा, अपने व्यवहार को बेहतर बनाने का प्रयास करें। सहयोगियों का आज सहयोग प्राप्त होगा, उनका व्यवहार अच्छा रहेगा, धैर्य से काम ले, भूम भवन विक्रय कर पाएंगे आज के दिन, स्थिति काफ़ी उत्तम है। माता पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा, किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी, और आपको किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात करने का मौका मिलेगा जो आपके लिए सपोर्ट करेगा आपके कार्य क्षेत्र में। जीवन साथी के साथ आज किसी धार्मिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा, प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है। आपका स्वास्थ्य भी आज काफी दिनों से जो खराब था वो अच्छा रहेगा। खुशियां बढ़ती हुई आज दिख रही है, कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और इसमें चूंकि ससुराल पक्ष से भी धन प्राप्ति का योग है, कोई कर्ज कहीं से लिया था तो वापस आज करना पड़ेगा, तो इसके लिए तैयार रहेगा। पॉलिटिक्स से भी आज दूरी बनाए रखें, ज्यादा पॉलिटिक्स के चक्कर में ना पड़े, इसमें लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, चाहे घर हो या फिर बाहर हो, हर जगह मधुर व्यवहार बनाए रखें, बर्ताव अच्छा रखें जो आपके काम आ सकता है। कुछ लोग ट्रेंडिंग से जुड़े हुए हैं, व्यापार करते हैं, सोने चांदी का व्यापार है, तो थोड़ा सा प्रगति का योग है। रिश्तेदारों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी।
विद्यार्थी लेवल है, पढ़ाई पे आज ध्यान दें क्योंकि आज लाभ का योग है। कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में आज लाभ है। जीवन साथी से आज रिश्ते काफ़ी मधुर रहेंगे। दिखावे के चक्कर में कोई भी निर्णय ना लें। आज के दिन कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूरी होगी जो काफ़ी समय से अधूरी थी। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, काफ़ी दिनों से जो अच्छा नहीं था, और अचानक से कहीं धन प्राप्ति के योग है। परिवार में थोड़ा सा तनाव जरूर देखेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, उनसे बाहर निकलेंगे। नौकरी के सिलसिले में बढ़िया नतीजा है क्योंकि मेहनत से सफलता मिलेगी। आज के दिन शत्रु विरोधियों पर भारी रहेंगे। पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन प्रेम जीवन में है तो किसी बात को लेकर थोड़ा सा हो सकता है ध्यान भटक जाए, इसलिए ध्यान रखिएगा। आज सफलता मिलेगी हर कार्य में और धन की स्थिति काफ़ी बढ़िया रहेगी। खाने पीने के वस्तु का दान कर पाएँ तो आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण अवसर की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं वो समय आज के दिन है। कमीशन से जुड़ा कार्य पूरा होगा। जमीन प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से संबंधित कार्य पूरा होगा। बड़े भाई बहन को लेकर व्यर्थ की चिंता ना करें, सपोर्ट प्राप्त होगा। बेवजह की चीज़ों में ज़्यादा समय नष्ट ना करें, जो जरूरी है वो करें। आज कोई नया कार्य करने की योजना बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा है क्योंकि आज के दिन बहुत ही अच्छा है। शुभ दिन है, किसी नए कार्य में आज भागदौड़ हो सकती है। ख्याल रखिएगा स्वास्थ्य का। बेवजह किसी से विवाद मत कीजिएगा। अगर सरकारी कामकाज में उलझन है तो उसे टाल दें। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, मेहनत खूब करें, सफलता मिलने का योग है। कामकाज में आज आपकी धाक रहेगी, एक के बाद एक हर काम हर मामले सुलझते चले जाएंगे। अपनी पेट और आँख का थोड़ा सा ध्यान ख्याल रखें और समय के अनुसार चलिएगा। आत्मविश्वास के साथ काम करें, रास्ते अपने आप आसान आज हो जाएंगे। आत्मविश्वास से सफलता प्राप्त होगी और आज भाग्य का पूरा साथ मिलने से जीवन के हर क्षेत्र में खूब सफलता होगी। गुप्त स्रोत से धन आज आएंगे। अपने लक्ष्य को लेकर एकदम बहुत एक्टिव हैं। लंबे समय से वाहन जमीन जायदाद लेना चाहते हैं तो आज इच्छा पूरी होगी। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में अपने कार्य से सभी को प्रभावित करेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, संतान की उन्नति होगी, मन का बोझ हल्का होगा। जीवन साथी का हर कार्य में सपोर्ट प्राप्त होगा। शाम तक आज कोई अचानक यानी कि समाचार प्राप्त होगा, कोई लाभकारी गुड न्यूज प्राप्त होगी जिससे प्रसन्नता मिलेगी। वैसे तो आज राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज सफलता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत मिलेगी। आज सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर जिम्मेदारियां बढ़ेगी आपके दिन आज के दिन, और किसी विशेष व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। विशेष प्लानिंग करेंगे अच्छा रहेगा। विरोधियों पर आज भारी रहेंगे, लेकिन कुछ विरोधी आपके काम में अड़चने डालेंगे तो व्यर्थ की चिंता ना करें। शेयर मार्केट वगैरह में लाभ होगा। जो लोग बेरोजगार उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी। तो आज आपका शुभ रंग रहेगा हरा, भाग्य साथ निभाएगा। तकरीबन 85% शुभ भाग्यांक रहेगा आज के दिन आपका 6। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।